नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आपके अपने YouTube चैनल संदीप जी टेक्निकल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं एक इंक्यूबेटर जो कि एक प्लास्टिक बॉक्स में बनाएंगे, और किस तरीके से बनाएंगे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपके समझ में आएगा। और हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले हमें एक 12 वोल्ट एडेप्टर ले लेना है 2 एम्पियर का, और यहाँ पर आपको चाहिए एक 3 इंची फैन, और आपको चाहिए 2 सॉकेट, और एक चाहिए हमको कंट्रोलर, और एक चाहिए आपको 60 वाट का बल्ब, और एक एलईडी 12 वोल्ट की, कोई भी कलर चल जाएगा जो आपको पसंद हो, और एक होल्डर और कुछ वायर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और क्या कैसे कैसे करना है आप लास्ट तक देखते रहें। पहले मैं ये सारा सामान इस साइड रख देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको करना क्या है। तो सबसे पहले करना क्या है, इसको एक साइड रख देते हैं, और यहाँ पर इसको हम एक मार्किंग करेंगे फैन को किस तरीके लगाना है, वो आप देख लेंगे जिस साइड से हवा अंदर जाए। तो हमको इसको इस तरीके से इसको लगाना है, और यहाँ पर इसकी मार्किंग करेंगे। तो इस फैन को हम इस तरीके से लगाकर यहाँ पर इसकी हम कुछ मार्किंग कर लेंगे यहाँ पर, जहाँ पर हमें इसका कनेक्शन करना है। तो हम इसको यहाँ पर मार्क कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो हमने इसकी मार्किंग कर दी है, अब हमको होल्डर लगाना है, तो उसकी भी हम मार्किंग कर देंगे। तो होल्डर में इसमें तार पहले से लगा रखी है, और इसको हम यहाँ पर होल्डर का भी कनेक्शन के लिए यहाँ पर ऑन कर देंगे। इसके लिए भी हमने यहाँ पर निशान लगा दिया। अब हमको लगाना है कन्वर्टर, तो ये हमारा कन्वर्टर है, तो इसका कनेक्शन भी हम यहाँ पर करेंगे। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। तो इस मैंने आपको डायग्राम में के जरिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ किस तरीके से इसमें कनेक्शन होने हैं। आपने
यहाँ पर जो ये फैन लगा है और ये जो एलईडी लगी है, इसके कनेक्शन तो आप लोगों ने देख लिए थे, और जो 12 वोल्ट एडेप्टर था उसका भी आपने इन दोनों के साथ में कनेक्शन भी आपने देख लिया था। मैं फिर भी आपको बता देना चाहता हूँ कि जो इसका जो फैन का जो प्लस वाला है और यहाँ पर जो माइनस वाला है, और इसी तरीके एलईडी का जो प्लस माइनस है और एडेप्टर का भी जो प्लस माइनस है, वो तीनों को एक साथ कर देना है। जो प्लस है वो प्लस में कर देना है, जो माइनस है माइनस में कर देना है, यानी कि इन सबको एक साथ कर देना है। एडेप्टर, फैन और एलईडी को एक साथ कंप्लीट कर देना है, प्लस प्लस में और माइनस माइनस में। और यहाँ पर आपको कंट्रोलर में भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि हम 37.7 वो पे हम इसको सेट करते हैं। इसकी सेटिंग भी मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पर आपको कंट्रोलर में दो पॉइंट देखने को मिल जाएंगे, एक 12 वोल्ट यहाँ पर प्लस का होगा और यहाँ पर माइनस का होगा, ग्राउंड लिखा होगा, और यहाँ पर K1 K0 होगा। तो जो हमारे इसका एडेप्टर का, फैन का और एलईडी के जो हमारे कनेक्शन आएंगे प्लस प्लस और माइनस माइनस, वो डायरेक्ट हमको इसमें लगा देना है। जो प्लस वाला है प्लस में लगा देना है, माइनस माइनस में लगा देना है। यहाँ पर बात आती है कि जो हमारा 60 वाट का जो बल्ब है उसका कनेक्शन कैसे होगा। तो दोस्तों, जैसे हम होल्डर में कनेक्शन करते हैं तो सिंपली उसमें से हमको दो तार दे से भूसा डाल रखा है, पानी रख रखा है, जो कि ह्यूमिडिटी बनाए रखेगा। और अब हम इसमें आराम से मुर्गी के अंडे यहाँ पर रख सकते हैं, और आप बड़े ही आराम से इस इनक्यूबेटर को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 12 वोल्ट का एडेप्टर लगा रखा है, और जो हमने 60 वाट का बल्ब लगा रखा है उसकी भी ये वायर यहाँ पर हमने कनेक्ट कर रखी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।